बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी और सरकारी संस्थाओं के निजीकरण के खिलाफ बिहार के लोगों से एकजुट होने की अपील की है। मंगलवार की रात 9 बजे अपने फेसबुक लाइव में तेजस्वी ने अपील की है कि बिहार के लोग बुधवार यानी 9 सितंबर को 9 बजे रात में 9 मिनट तक के लिए घर के बल्ब ट्यूबलाइट्स बंद कर दें और एक दिया लालटेन या मोमबत्ती जलाएं। इतना ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके भी बेरोजगार युवा साथियों और स्वयंसेवी संगठनों से इस मुहिम को सफल बनाने की अपील की है। इस बीच तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये राजद का आंदोलन नहीं है, बल्कि बेरोजगार युवक और कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं ने यह आंदोलन शुरू किया है। तेजस्वी ने कहा कि वो खुद अपनी मां राबड़ी देवी के साथ तय समय पर अपनी छत पर लालटेन लेकर खड़े रहेंगे और इस मुहिम को सफल बनाएंगे। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बहुत से व्यवसायियों और छोटे व्यापार करने वालों का धंधा रोजगार बंद हो गया है, सरकार की ओर से भर्ती बंद कर दी गई है, कई साल से परीक्षा नहीं ली जा रही, नौकरियों और आवेदन फॉर्म की फीस के नाम पर सरकार ने अरबों रुपये वसूल कर पूंजीपतियों में बांट दिए, इसलिए डबल इंजन सरकार की ओर थोपी गई। इस महामंदी और बेरोजगारी के दौर में हम एकजुटता के साथ बेरोजगार मित्रों के साथ हैं। इन दिनों सोशल मीडिया में बेरोजगारी और रेलवे में निजीकरण के फैसले को लेकर जबरदस्त माहौल बनाया जा रहा है। जाहिर सी बात है, आने वाले दिनों में और भी तेज होगा।